महीने में मदारिस में दस्तारबंदियां बहुत होती हैं। आए दिन खबरें आती हैं पूरे भारत से कि आज यहाँ दस्तारबंदी, कल दस्तारबंदी, लेकिन आज मैं यहाँ ताज मसारिद के अंदर आया हूँ। ताज मसारिद का सालाना प्रोग्राम है, उर्दू तकरीर, हिंदी तकरीर, अंग्रेजी तकरीर वगैरह बच्चों के प्रोग्राम है। इन्हीं में से आज मैं दर्शक को दिखाना चाहता हूँ कि इन प्रोग्राम से बच्चों को क्या फायदा होता है और बच्चों में कितनी दिलचस्पी। इन तमाम हालात के बावजूद मुस्लिमा बेगानी है, बेखबर है, बेहसी और बेगैरती की जिंदगी जी रही। जैसे कि आपने अभी तलबा की तकारीर को सुना, एक तरफ कितना इंतजाम है, एक तरफ कि जहां दीन की हिफाजत करने का काम होता हो, जहां दीन को तारुफ का काम होता हो, जहां ऐसे अफराद तैयार किए जाते हो, जहां ऐसी सोच तैयार की जाती हो कि जो इस्लाम की बका की लड़ाई लड़ सके, जो इस्लाम को सही तारुफ करा सके। आपका नाम? ये इनाम आपको कैसे मिला? प्रोग्राम के अंदर, दर्शकों के अंदर पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट किया, क्या सब्जेक्ट था? हमारा नज़्म सुलेमानी के अंदर अल्लामा यूसुफ कज़ानी को लिखना था और बड़ा फर्स्ट पोजीशन आया। फर्स्ट पोजीशन आया। कितने बंदे, लड़के कितने थे? और उसके अंदर 35 लड़के थे, उसमें से और उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए सीनियर तरीन अबना तदीम, यानी जो यहाँ के ओल्ड बॉय है, जो यहाँ के फारिग तलबा है, उसमें से सीनियर तरीन 5 हजरात का इंतखाब किया गया है कि उनको एक इम्तियाजी एजाज किया जाए, तो उनका एक मेमेंटो देकर और इस मौके पर उनको एक सिपासनामा साइटेशन भी पेश किया जाएगा। पेश करने से पहले वह यहाँ आप हजरात के सामने पढ़ा जाएगा ताकि आपको पता चले कि इस इदारे से फारिग हजरात सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में है। तो यकीनन एक प्रोग्राम में सबका एजाज नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने अगर मौका दिया, तौफीक दी, तो इंशाल्लाह मौका पर मौका इस तरीके अपना के अपना अदीब की खिदमत को सराहा जाया करेगा, उनका एजाज किया जाया करेगा, आपके सामने उनका तारुफ आया करेगा और आपको इस इदारे में जो तवील अरसे से खिदमत कर रहा है और इसकी खैरात बरकत किस तरीके से मध्य प्रदेश में, वस्त हिंद में और मुल्क बैरून मुल्क फैलनी है, आप उसको देखेंगे इंशाल्लाह। इस फहरिस्त में, मेरे फहरिस्त में सबसे पहला नाम जो है एजाज अपना तदीब में, इनको मोमेंटो दिया जाएगा अभी और उनको सिपासनामा आपको सुनाया जाएगा। सबसे पहला नाम प्रोफेसर मसूद रहमान नदवी, मौलाना प्रोफेसर मसूद रहमान नदवी का है। मैं अपने साथी मौलाना खालिद नदवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो सिपासनामा पढ़कर पेश करें, फिर वो सदर जलसे के हाथ से इंशाल्लाह दिया जाए। कोई मीनारा देखते हैं तो वो मीनारा आपसे हम कलाम होता है और वो आपको
जिसका आप तसव्वुर किसी और चीज से नहीं कर सकते। ये वो अजमत के निशान हैं जो खुद आपको आपकी अजमत रखता याद दिला देते हैं। इसीलिए इस मीनारे का जो तखातुब है, इस तखातुब में कभी कभी नहीं आनी चाहिए। और ये आप खुशकिस्मत है कि इतना हसीन मंजर आपके सामने, ये शहर बहुत कम शहर है जिनको ये खूबी हासिल है। और अलहम्दुलिल्लाह दिल्ली को ये एजाज हासिल है कि वहाँ जाम मस्जिद है और उसके मीनारे में बहुत अहले गुफ्तगू रहते हैं, वो भी देखते हैं, अपने अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। तो सिर्फ ये बात जो अभी बात आई डॉक्टर अजहर हबीब साहब जो बात जिन्होंने बातें की, वो मुझे बातें सुनकर मुझे एहसास था कि वो किस दर्द दिल को आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि उस दीवानगी की अब दोबारा फिर जरूरत आ गई है, क्योंकि हमारे कौम में फरसाने ज़्यादा हैं और हमें दीवानों की ज़रूरत है। और मैं इमरान खान साहब जैसे और मैं उनके बारे में इस दौरान मैंने बहुत पढ़ा और उनकी शख्सियत के बारे में सोचते हुए मुझे कलीम आजिज़ का एक शेर याद आया कि ऐश मिल सकेंगे ना हम जैसे सर फिरे, ऐश मिल सकेंगे ना हम जैसे सर फिरे, बरसू चराग दे के जमाना अगर फिरे, हो जाए खाक तो यकीन है कि हश्र तक सर पर उठाए गए खाक नसीमे सहर फिरे। जब कोई शख्स ये वफादारी अदा कर दे अपने मकसद के साथ, तो फिर उसके बाद नसीमे सहर उसकी खाक को भी लेके उठेगी, वो उसके तस्करे बातें सभा भी ले जाएंगे। और जिस तरह के मीनारे चाहे वो साहब हैं, इसी तरह उसकी शख्सियत का हालात, उसकी शख्सियत का तसव्वुर, उसकी इत्र बेज़,